पत्नी से, अपने धन से, जिससे भी आपको बहुत अधिक प्रेम है, उतना ही प्रेम थोड़ा उस परम शक्ति सत्ता के प्रति लगाना शुरू करें। विचित्र हो जाएगा जीवन, और सचमुच कहता हूं चमत्कार से जीवन भर जाए। लेकिन आज तक कुछ लोगों ने, या हम लोगों को कुछ लोगों ने मूर्ख बनाकर धर्म के नाम पर धंधा किया, धर्म के नाम पर धन का शोषण किया, धर्म के नाम पर व्यापार किया, धर्म का ठेकेदारी की, और उन लोगों ने कहा ऐसे करो तब मिलेगा, वैसे करो तब मिलेगा। कोई कहता है ना माला फेरे तब मिलेगा, नहीं सच्चाई है कि माला फेरते जुग गया, जुग चला गया लेकिन नहीं मिला। कोई कहता तीर्थ में, तीर्थ में भी नहीं मिला। कोई मिला काबा काशी में, काबा काशी में खोजते खोजते समय बीत गया, नहीं मिला। कोई कहा चारों धाम में, चारों धाम में भी कुछ चारों धाम करने वाले होंगे, गान होंगे, नहीं कहा आपको सुन रहे होंगे, चारों धाम करके आए हैं, पूछो मिला नहीं मिला। कुछ लोग मूर्ति में खोजा, कुछ लोग साकार में खोजा, कुछ लोग निराकार में खोजा, कुछ लोग संसार में खोजा, कुछ लोग वेद और पुराण में खोजा, कुछ बाइबल पुराण में खोजा, लेकिन मिला नहीं। मिलता कौन है? जो खोया रहता है वह खोया थोड़े है कि खोजना, वो हर जगह जाहिर है, हर जगह जाहिर हजूर है, उसको खोजने कहीं नहीं जाना है। लेकिन हम लोगों को इतना उल्टा पलटा समझाने वाले समझाए, भगवान को पाना इतना कठिन बताए, इतना कठिन बताए, और मैं कहता हूं कोई चीज कई चीज कई वर्षों से रखी जाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो कठिन हो ही जाती है, कठिन हो ही जाती है। ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा दृष्टांत आपको समझाने के लिए। लेकिन इस दृष्टांत के पहले एक चीज बताओ, हम मनुष्य के एक अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है सभी के अंदर, और वही दिव्य शक्ति को हम ईश्वर अंश कहते हैं। वह दिव्य शक्ति सबके अंदर मौजूद होती है, और वो प्रकट होती है, वह जीव ऐसा कार्य कर डालता है जो वहां आश्चर्यजनक होता है, जिसे आपकी भाषा में, आराम कर की भाषा में चमत्कार कहते हैं, ऐसा कार्य हो जाता है। एक बार की बात थी कि एक बहुत छोटा राज्य था, उस छोटे राज्य में 144 सैनिक थे। बगल का एक बड़ा देश उस देश पर आक्रमण कर दिया, उस देश पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो राजा सोचा हमारे पास 144 सेना है और उसके पास 10,000 444 सेना है, एक पर 14, और वो सोचा कि क्या करें, मंत्रियों को जुटाया इकट्ठा, आपत्तिकालीन बैठक की, और कहा कि हम सोच रहे हैं कि बिना वजह रक्तपात हो, खून बहे, निर्दोष लोग हमारे देश के मारे जाएं, और जो भी सेना मरेगा उसकी पत्नी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, बहने की अकलाई सुनी पड़ जाएगी, जहां राखी बांधती हैं, रक्षा बांधती हैं। तो इसलिए क्यों नहीं सुबह समर्पण कर देते हैं, और समर्पण करके और उसका दासता स्वीकार कर लेते हैं।
यही अच्छा रहेगा। सारे मंत्री वगैरह सेनापति वगैरह सबके सब तैयार है, ठीक है, अच्छी बात, चलो। लेकिन जो देश की महारानी क्षत्रानी थी बोली, अरे कम से कम सदगुरु से तो राय ले लो। लोग बोले एक क्या कथा बांचना है का कि गीता का श्लोक पढ़ना है, गुरु जी क्या जाए, वो गुरु जी क्या करेंगे लड़ाई लड़ने में, वो कब चले गए तीर धनुष, और उसमें तीर धनुष से लड़ाई होती थी, तलवार से लड़ाई होती थी, कब वो चले गए। महारानी जिद की जाइए तो राजा बात माना, घड़ी की सुन रात 12 बजे पहुंची थी, 12 बजे पर गई थी घड़ी की सुन, राजा बेतहाशा भागा और सदगुरु का दरवाजा खटखटाया। सदगुरु ध्यान मुद्रा में थे, उन्हें जानकारी भी थी कि हमारे देश पर शत्रु आक्रमण कर दिया है, और ये भी सूचना मिल गई थी कि राजा अस्त्र डालने वाला है। दरवाजा गुरु ने खोला, राजा गुरु के पास बैठे, बोले कि क्षमा करें, हमारे पिताजी बोले थे कि जब से विपत्ति आ जाए और कोई तो सदगुरु के पास जाए, विपत्ति हो बहुत भयंकर सुनायकर विपत्ति हो तो भी सदगुरु के पास जाना, और इस स्थिति में हो क्या करूं क्या मैं करूं कहां जाऊं कैसे करूं। जब भी तेरे जीवन में क्यों कर्तव्य विविधता की स्थिति आ जाए कि मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे हालात में तुम सदगुरु के पास जाना, वह तुझे कुछ रास्ता जरूर बताए। था सम्राट छोटा ही सही राजा था, अंदर गया राज दरबार में, अंदर गया राजा चारों में गिर गया, कहां वहां राज, सेना चारों ओर से, दुश्मन की सेना अपने सीमा की चारों ओर से घेर ली है, किसी रास्ते से भागना मुश्किल है, मेरे पास 144 मात्र सेना है और उसके पास कई गुना सेना है, 10,440 है, आप हम तो ही कहेंगे कि आप कर दीजिए कि हम अस्त्र डाल दें। गुरु जी दो मिनट के लिए गंभीर हुए और बोले कि अच्छा बताओ तुम्हारा सेनापति क्या कहता है। सेनापति बाहर खड़ा था, जब सेनापति अपना नाम सुना तो अंदर गया, क्या क्या महाराज, कहा कि तुम क्या कहते हो, कहा महाराज हम क्या कहते हैं, हम तो ही कहते हैं हथियार डाल। महाराज ने कहा अच्छा काम करो, तुम सेनापति का काम छोड़ दो आज। बोले छोड़ दो मतलब, यहां तो निर्णय लेने की बात है क्या किया जाए, और बोले कि सेनापति तुम नहीं सेनापति मैं रहूंगा। वो बोला गुरु जी ध्यान लगाते हैं, राम नाम में चद्दर उड़ करके ओम नमः शिवाय से जो कुछ भी ध्यान करते हैं मंत्र पढ़ते जाएंगे रणभूमि में लड़ाई करने, इनके बस है तलवार कैसे चलाना है, सेना को निर्देश देंगे, और चारों ओर से जो घिरी हुई है सेना 144 से हम लोग हैं तो मारेंगे कैसे, किधर जाएंगे। राजा कहा महाराज ये समय व्यंग का नहीं है, महज 4 घंटे और बाकी है, जैसे 4 बजे उधर मुर्गा बोलेगा उधर शंख घड़ी का नगाड़ा बजेगा, इधर सूरज की रथ निकलेगी और इधर या तो लाश कटे खून बहे या नहीं तो उस तरह से भी मर जाना है, जीतने का तो और बेइज्जती होगी, क्यों नहीं हम लोग अस्त्र ही डालेंगे। गुरु बोले यदि तुम्हें अस्त्र ही डालना था तो मेरे पास आया क्यों, यदि अपने मन का ही करना था तो क्यों आया। चुप हो गए राजा, चुप हो गए, कह ठीक है, कहा तो क्या होगा, कहा कुछ नहीं जाओ लड़ाई होगी, कहा महाराज लड़ाई होगी, सेनापति बोला महाराज लड़ाई होगी। गुरु ने कहा इसीलिए मैं कहा ना कि तुम सेनापति पद से प्रत्याग दो, अभी दो अपना इस्तीफा और तो हमको दो। राजा बोली महाराज
वो शास्त्र पढ़ना नहीं है, उपदेश वाली बात नहीं है, सीधे सीधे जिंदा आदमी छह घर में मौत उन्होंने जाने वाला है। एक क्षण में लगेगा गर्दन सर, सर जो है घर से अलग और होते ही तड़प कर मर जाना है। एक सेकंड की देर नहीं है, कोई प्रवचन श्लोक नहीं सुनेगा वहां पर। ऐसा मत सोचिए, कहा यदि आप ही को यदि सोचाना समझाना है तो उनको क्यों बता रहे हैं, क्यों ठीक है। राजा सोचा है गुरु ने ना हाथ में सबको मरवा देगा, नहीं चलो अब तो फंस गए हैं। इधर ब्रह्म मुहूर्त हुआ, समय के हिसाब से मुर्गा भी आवाज दिया, ठीक नियत समय पर सूरज की रोशनी भी आकाश कर मंडल में आगे बढ़ने लगी। पाव फटा, युद्ध के सारे पाक यंत्र जो होते हैं बजने शुरू हो गए। यह सारे सेना को बुलाया, 144 से कहा कि चलो चलेंगे लड़ाई करेंगे। मेरे सभी सिपाही ये सोच रहे थे कि मरवाएगा एक गुरुआ, मरवाएगा और कुछ करेगा नहीं। बस कितना अच्छा फैसला था कि हथियार डाल दिए होते तो, लेकिन ये मरवाएगा, ये भला क्या जानेगा। साथ जाते 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 कुछ दूर जाने के बाद कहा सुनो, ये मंदिर है ना, अब सबको मरना है तो धर्म और अच्छा काम। अच्छा सदगुरु की वाणी मरने का जब जमराज दिखाई देते हैं ना, मौत दिखाई देती है ना, विपद दिखाई देता है ना, जब संकट का विकराल पहाड़ आता है ना, तो बिना कहे सदगुरु और सत्य धर्म अच्छा लगता है कहना नहीं पड़ता है। वो तो जब घमंड सुख और पापाचार हृदय में रहता है तब नहीं भाता है सदगुरु की वाणी। तो अब तो मौत थी, किसी को समझ में आ रहा चाहे ना आए, उन लोगों को तो समझ में आ ही रही है जो सिपाही चल रहे थे। बोले कि देखो ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है,